ठीक है, आप बहुत न्यूट्रल बात कर रहे हैं, करना भी चाहिए, होना भी चाहिए। मैं आप पे आपके व्यू को खंडित नहीं कर रहा हूं अभी। नीलेश जी, मुख्यमंत्री आदेश आने के तुरंत बाद केजरीवाल का बयान था कि जो अधिकारी विकास के काम में रोड़ा अटका रहे हैं, वो चेतावनी दे रहे थे, धमकी दे रहे थे कि उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी। ये धमकी दे रहे थे। ये मुख्यमंत्री इस प्रकार की धमकी देते हैं अधिकारियों को और कहते हैं कि अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन अधिकारियों ने शिकायत की है उसका लोकस स्टैंडिंग क्या होगा? क्योंकि ये लोग उसमें एक सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने एक अलग आरोप लगा दिया है कि अधिकारियों ने ही उनको जान से मारने की धमकी दी है। कुछ उन्होंने कुछ अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने ही उनको जान से मारने की धमकी दी है। ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं। क्या ये सब बात अभी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खोलेगा, तब हियरिंग शुरू हो गई, ये अधिकारियों ने जो आरोप लगाए हैं कि मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमें परेशान कर रहे हैं, ये सब कोर्ट में डिस्कस होगा ऑर्डिनेंस वाली बहस पे? सुनिए सुनिए, मैं आपके दो चार मुद्दे एक साथ आ गए, मैं वन बाय वन पर जवाब देता हूँ। देखो, पहली चीज, ये जो ये राजनीतिक बात घुमा रहे हैं ना कॉमन मैन के लिए कि डेढ़ महीना सुप्रीम कोर्ट बंद है, ये किसने कहा सुप्रीम कोर्ट बंद है? रोज सुनवाई हो रही है, वैकेशन बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है इनका कुछ, अगर इनको इमरजेंसी लगती है तो सुप्रीम कोर्ट वैकेशन बेंच में भी ऑर्डर कर सकता है, तो वो कोई मतलब वो वैकेशन बेंच भी स्टे दे सकता है। तो सिर्फ इनको लग रहा है कि शायद जो सुपर सुप्रीम कोर्ट आतिशी जी का जजमेंट आ चुका है, करके अभी जजमेंट की जरूरत नहीं, ये बात और है उनका, तो वो मुद्दे में नहीं जा रहा है अभी। चलो, दूसरा पॉइंट, एक सबसे मेन मुद्दा ना सब मतलब रह गया इस बात में, मुझे तब ये क्या कह रहे हैं कि इसको केंद्र को अधिकार नहीं है, उसको अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं। दिल्ली सरकार जो थी, स्टेट का दर्जा दिया किसने? पहले कहा था स्टेट का दर्जा, ये तो दिया ही केंद्र सरकार ने उनको, पहले तो यूनियन टेरिटरी था ये। तो जब स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन ही केंद्र में किया है, तो ये बहुत हास्यास्पद है ये कहना कि केंद्र को अधिकार नहीं, जो दे सकता है वो ले भी सकता है ना वापस, स्टेट का दर्जा भी निकाल के ले सकता है, तो वो बड़ा मसला नहीं है। अभी